नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्येंदु मंडल, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूँ। मैं कल के लिए मतलब 10 अप्रैल 2020 के लिए मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन बताने का कोशिश करूँगा, तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को रेगुलर बेसिस पर मिल जाएगा। और मैं बाई सेल लेवल कम स्किनर का थ्रू में बाई सेल लेवल ऑफ इक्विटी कमोडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर स्टॉक का बाई लेवल सेल लेवल और गन लेवल फिबोनाची लेवल मूरेस लेवल्स वोलेटिलिटी बेस्ड फिबोनाची गन लेवल्स एलियॉट वेव्स बहुत सारा लेवल्स दिखाता हूँ, तो आप लोग को स्टॉक मार्केट में बहुत ही हेल्पफुल रहता है, तो वो भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत सारा चार्ट का सेटअप है, स्ट्रैटेजी है, टेक्निक्स है, जो आप लोग को स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और आप लोग आसानी से प्रॉफिट कमा सकता है। और ये जो फाइल है इसका इसमें क्या क्या है, व्हाट आर द थिंग्स अवेलेबल इन द इन दिस फाइल एंड हाउ टू यूज़ दिस, ये वीडियो भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा क्योंकि ये फाइल इस्तेमाल करके आप लोग आसानी से प्रॉफिट कमा सकता है। तो जो लोग मेरा बेट सर्विस लेंगे तो उसको उन लोग को मैंने आप लोग मेरा लाइव वीडियो देख सकता है और आप लोग को मैंने आप लोग को मैं आप लोग को पसंद आएगा तो आप लोग डेमो भी आप लोग को एक दिन के लिए कोई भी सेगमेंट में दे दूंगा। तो ये फाइल आप लोग को पूरा जो सर्विस लेंगे आप लोग को पूरा फाइल शेयर करूँगा, तो ये इसको आप लोग इसका लाइव डेमो वीडियो जरूर देखिए और इसका आप लोग टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकता है और इसका डाउनलोड करने का लिंक भी आप लोग को मिल जाएगा, तो इसका आप लोग जरूर देख लीजिए। और ये वीडियोस मैंने जितना सारा मेरा यूट्यूब चैनल में जितना सारा वीडियोस है वो प्योरली एजुकेशनल इंफॉर्मेशनल पर्पस है। इसमें इन्वेस्ट करना और ट्रेड करने के लिए के पहले आप लोग फाइनेंशियल कंसल्टेंट का सलाह जरूर ले लेंगे। और जो लोग अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है और करने के लिए सोच रहा है तो मेरा यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन में आप लोग को अपस्टॉक्स एलिस ब्लू आस्था ट्रेड और एंजल ब्रोकिंग का लिंक मिल जाएगा, उधर से आप लोग ज्वाइन हो सकता है। तो देखिए इधर मैंने निफ्टी बैंक का है, ठीक है वो भी दिखाता हूँ मैंने, लेकिन मैंने निफ्टी देखे शुरू करूँगा, निफ्टी देखे को देखे बाद शुरू करूँगा, उसके बाद में दिखाता हूँ। निफ्टी का मैंने इधर डेली चार्ट ओपन किया है, एक मिनट थोड़ा सा चार्ट को सेट करने के लिए दीजिए, सेट कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो आप लोग को देखिए, आप लोग को बहुत सारा लोगों को लग सकता है कि इसमें इतना सारा इंडिकेटर्स है और ये है तो आप लोग चार्ट ठीक से नहीं देख पाएगा, लेकिन आप लोग को मैंने एक्सप्लेन कर दूंगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस दे दूंगा और जो इसके बाद मैंने बाई सेल लेवल्स देख के आप लोग को एक्सप्लेन करने का कोशिश करूँगा, ये अप ट्रेंड में होगा या डाउन ट्रेंड में होगा। तो देखिए इधर मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन किया हूँ, डेली चार्ट ओपन किया हूँ, तो इसमें देखिए कल ये लॉन्ग बॉडी सॉरी लॉन्ग टेल कैंडल स्टिक बनाने के बाद आज ये लॉन्ग बॉडी कैंडल स्टिक बना है, मतलब एक लॉन्ग बॉडी है इसका, जिसका बॉडी का पोर्शन ज़्यादा है और इधर वीक्स ऑलमोस्ट नहीं होने से भी चल रहा है, थोड़ा सा मारुगुजू बुलिस मारुगुजू टाइप का कैंडल बना है, थोड़ा सा वीक्स है इसका ऐसा कुछ सिग्निफिकेंस वीक्स नहीं है। और इधर इधर जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बना है वो आप लोग देख सकता है, इधर देखिए 9035 ये 9111 में इसका तो क्लोजिंग दिया है, ये 9128 में इसका मतलब हाई था, तो इधर 9035 में इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस मिलेगा, उसके बाद 9322 उसके बाद 9513 उसके बाद 9728 इधर तक ये आ सकता है फिलहाल, उसके बाद 10550 तक भी जा सकता है।
तो देखिए ये जो ये गन एंगल्स है, तो इसका जो एंगल है इसका ऊपर जब ये इस एंगल से जब ये नीचे का एंगल से नीचे वाला एंगल से जब ये ऊपर गया है, ये वाला एंगल से जब ये ऊपर गया है, इसका ऊपर गया है तो इसका ऊपर भी गया है, तो इसके इधर तक आने का ये इसमें इसका रेजिस्टेंस मिलेगा, इस लेवल पे इसका रेजिस्टेंस मिलेगा जो अच्छा रेजिस्टेंस इसका मिलेगा, क्योंकि इसका जो एंगल इसका इधर जाता है तो इधर ये रेजिस्टेंस फेस करेगा, तो इसके बाद इसका रेजिस्टेंस इधर तक आएगा, इधर जो लेवल है 9732 इसका इसका लेवल तक इसका रेजिस्टेंस होगा। और पहले भी मैंने जो बात किया हूँ मेरा साथे से मार्च का जो वीडियो है वो भी देख लीजिए और अगला वाला वीडियोस भी देख लीजिए। ये एक अच्छा मेरा फिबोनाची का लेवल्स भी आप लोग को दिखा देता हूँ, जो इधर मैंने फिबोनाची लेवल्स इधर तो 9504 सपोर्ट का तो रेजिस्टेंस तो दिखा दिया, सपोर्ट का दिखा देता हूँ, सपोर्ट का बोल देता हूँ कहाँ पर सपोर्ट मिलेगा इसका। देखिए इधर 8844 में एक सपोर्ट दिख रहा है, उसके बाद 8545 7 8366 8080 इसमें, और इसका जो इधर इसका लेवल है 9506 का लेवल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इसका थोड़ा सा नीचे, इसके बाद इसका जो लेवल है 10,000 का ऊपर इसका लेवल है। तो मैंने जो पहले भी बोल चुका हूँ कि ये जो 2008 से ये इसका जो वेब बना है, तो इसका जो वेब बन बन के आ रहा है तो उसका ये करेक्शन हो रहा है, तो इसका जो 5 वेब में इसका करेक्शन अप ट्रेंड हुआ था, उसके बाद इसका 5 2008 से ये 5 वेब में इसका करेक्शन हुआ है, सॉरी अप ट्रेंड गया था जो 2008 में जो बॉटम माना था, उसके बाद ये करेक्शन हो रहा है, इसका फर्स्ट करेक्शन मतलब फर्स्ट करेक्शन वो हो चुका है, वो 7511 इसका जो बॉटम माना था, उसके बाद ये वेव 1 वेव 2 ये वेव 3 और वेव 4 और इसके बाद ये वेव 5 तो इस इधर तक गया था, उसके बाद इसका करेक्शन वेब आया है वेब ए जिसका बोलता है, वेब ए में इसका 7511 तक इसका लो हो चुका था, उसके बाद ये 7511 में जो हुआ था उसका, उसके बाद फिर से ये वेब बी चल रहा है, उसको करेक्शन वेब एक में करेक्शन वेब हुआ है उसका, जो अभी वेब बी में ये इसका जो वेब ए का 1.618% तक ये जा सकता है, मतलब 10,550 तक ये जा सकता है, उसके बाद ये इसका जो गिरेगा जो वेब ए का जो करेक्शन है, मतलब 12,430 से 7,511 जो जितना सारा वेब करेक्शन है, तो वो 9,188 या 9,700 या 9,200 हो या 9,500 उधर से ये इसका करेक्शन आएगा, उतना ही 4919 का उसका ही आसपास इसका करेक्शन आया आने का चांसेस है। तो इस यही मेरा मेरा व्यू यही है, तो देखते हैं क्या होता है, तो फिलहाल तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर ही जाएगा, 9,200 के ऊपर ऊपर ही जाने का ट्रेंड दिखा रहा है, जो जितना सारा अभी भी थोड़ा सा कुछ इंडिकेटर्स मतलब 9,513 का ऊपर थोड़ा सा ऊपर जाने का डेली चार्ट में जो दिख रहा है, 9,513 का ऊपर ही इसका आएगा, 9,700 या 9,900 तक इसका जाने का प्रोबेबिलिटी दिख रहा है, क्योंकि अभी इंडिकेटर्स थोड़ा सा कुछ इंडिकेटर्स का तो ऊपर गया है, लेकिन अभी भी इसका कंफर्मेशन जो इंडिकेटर्स है इसका अभी भी थोड़ा सा ऊपर जाने का बाकी है, तो इसका 9,500 का फिलहाल इसका ऊपर अप ट्रेंड जारी रहेगा ऐसे ही लगता है। और इधर बैंक निफ्टी का देखते हैं, मतलब मेरा जो कहना है ये निफ्टी में फिर से करेक्शन आएगा, अभी भी इसका बॉटम आउट नहीं हुआ है, इसका करेक्शन अभी बाकी है, यही मेरा लगता है, यही मेरा व्यू है, देखते पड़ेगा।
मेरा जो मतलब व्यू है वो होता है या नहीं होता है। बैंक निफ्टी भी ऐसा है, निफ्टी का जो है वो बैंक निफ्टी का भी है, इसका डेली का जो ट्रेंड देखिए, डेली का ट्रेंड तो थोड़ा सा आप दिखा रहा है, लेकिन आप कॉन्फर्मेशन अभी भी बाकी है, वो कुछ लेवल्स दिखा रहा है, तो इसका 23,000 के ऊपर ये 25,000 या 26,000 तक आ सकता है। तो मतलब अभी भी कॉन्फर्मेशन ट्रेंड बाकी है, लेकिन फिलहाल इसका अप ट्रेंड ही दिख रहा है, अप ट्रेंड ही लगता है। और इधर 20,000 में इसका 20,019 में इसका रेजिस्टेंस मिलेगा, 21,092 में इसका रेजिस्टेंस मिलेगा, 21,860 में रेजिस्टेंस मिलेगा, उसके बाद 23,528 में रेजिस्टेंस मिलेगा, उसके बाद ये 24,748, उसके बाद ये 25,000 तक जा सकता है, 25,000 या 26,000 तक इसे जा सकता है। और इसका फिबोनाची का लेवल्स एक बार देख लेते हैं, इसका ड्रॉ किया हूँ, इधर 22,200 में इसका रेजिस्टेंस है, 24,000 में रेजिस्टेंस है, उसके बाद 24,000 के बाद 25,886 तक इसका जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, इधर से फिर से रिट्रेस होने के चांसेस है। जो ऐसा ही जो मतलब 10,500 मतलब जो निफ्टी में देखा 10,550 या जो निफ्टी में कितना देखा, और अच्छा इसका सपोर्ट पहले देख लेता है 19,291, उसके बाद 18,178, इसमें सपोर्ट दिख रहा है, इसके बाद ये 18,000 का नीचे भी जा सकता है, उसका नीचे ये 18,000 का नीचे भी जा सकता है। और निफ्टी का जो लेवल देखा अप साइड में कहाँ पर उसका है 38.2%, उसका उसका नीचे, लेकिन उसका ऊपर चला जाएगा तो ये देखिए 25,866 और 25,000 या 26,000 का ऊपर चला जाएगा तो अपडेट आ जाएगा, ठीक है, लेकिन उधर से रिट्रेस होगा, ऐसे ही मेरा व्यू है। और इधर निफ्टी का 10,650 या 10,603 का पकड़ सकता है, इससे रिट्रेस होने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा लगता है, फिर से रिट्रेस होने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा लगता है। और उतना ही रिट्रेस होगा जब उतना ही 4919 का जो करेक्शन हो रहा है 12,630 से, उतना ही होने का प्रोबेबिलिटी है। अच्छा मैंने उसके बाद मैंने अभी ट्रेंड एनालिसिस करूँगा मेरा बाय सेल लेवल का थ्रू में, वो भी और आप लोग को बाय सेल लेवल भी दिखाऊंगा, उसी का हिसाब से मार्केट चलने का पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। और देखिए निफ्टी का मैंने ऑप्शन चेन को देख लेता हूँ, मेरा लाइव वीडियो भी आप लोग देख लीजिए, उसको आप लोग को कैसा लग रहा है वो भी ज़रूर फीडबैक दीजिए। मैंने लास्ट 2-3 दिन से लाइव वीडियो दिखाता हूँ, मामले पहले बाय सेल लेवल दिखाता हूँ, उसके बाद आप लोग को दिखाता हूँ इतना सा गया है। अच्छा तो इधर पीसीआर रेशियो कुछ देखिए, एक मिनट मेरा 16 डे फिल करना पड़ेगा, तो इसका एक्सपायरी हो गया, तो इसका जो पीसीआर रेशियो है, पीसीआर रेशियो जो है इसका पीसीआर रेशियो है 1.65 ऐसा दिखा था, तो ठीक है फिर 1.65 ही पकड़ता है, 1.65 है पीसीआर रेशियो, मतलब इसका अपर लेवल का थ्रेशोल्ड जोन में ये आ गया है, और भी कुछ जा सकता है 1.7 या 1.8 से इसके रिट्रेस होगा लगता है। इसका 9,500 में इसका 9,500 में इसका रेजिस्टेंस बना है, कॉल साइड में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट इधर लॉन्ग बिल्डअप दिखा रहा है, और पुट साइड में 8,500 में इसका 8,500 में इसका पुट साइड में इसका सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट इधर शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, तो कॉल साइड में शॉर्ट बिल्ड लॉन्ग बिल्डअप और पुट साइड में शॉर्ट बिल्डअप ये इंडिकेट कर रहा है कुछ ऊपर जाएगा। और इधर वोलेटिलिटी भी आज थोड़ा सा कम है, इंडिया विक्स थोड़ा सा कम गया है, तो मार्केट में बाइंग होने का चांसेस ज़्यादा है मतलब। और इधर कॉल साइड और इसका भी आईवी ऑप्शन का भी आईवी थोड़ा सा नीचे आया है, तो इधर पुट साइड में शॉर्टिंग ज़्यादा हो रहा है, तो इधर हाई भी थोड़ा सा बड़ा है, और इधर पीसीआर रेशियो इंक्रीस किया है, इसका कॉल साइड में पीसीआर आईवी भी इंक्रीज है ज़्यादा है, और इसका
सॉरी लॉन्ग बिल्डअप भी हुआ है, तो सभी में इंडिकेट कर रहा है कि ऊपर जाने का, थोड़ा सा ऊपर जाने का इंडिकेट कर रहा है। लेकिन ये मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये जो ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी है वेरी शॉर्ट टर्म स्पैन के लिए, या एक दिन के लिए या दो दिन के लिए हो सकता है, या कुछ एक सेशन या दो सेशन के लिए एक दिन का अंदर, कुछ दो तीन सेशन का अंदर हो सकता है, क्योंकि इसका रिवर्सल कभी भी से नीचे आ, क्योंकि अभी ये डाउन ट्रेंड है तो इसका रिवर्सल कभी भी आ सकता है। और इसका जो है, इसका जो है तो बैंक निफ्टी का जो पीसीआर रेशियो है 1.48 है, तो इधर 20,500 में इसका रेजिस्टेंस बना है, इसके इधर भी लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, और 18,500 में इसका शॉर्ट बिल्डअप है, 18,500 में इसका सपोर्ट है, इधर शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, तो इधर भी ऐसा ही सिनेरियो है। और खुशी की बात ये है कि दोनों साइड में इंडिया विक्स भी गिरा है आज, 49.74 हो गया है, और वोलेटिलिटी भी इधर से आई भी कम है, तो आप लोग भी मतलब उस के इधर आई भी कम ही रहे और वोलेटिलिटी कम ही रहे, क्योंकि ऑप्शन में ट्रेड करना या मार्केट में जो फ्लक्चुएशन अप डाउन उधर ऊँचाई चढ़ाई उतर चढ़ाई हो रहा है वो भी कम हो जाएगा। तो इधर भी वोलेटिलिटी कम है और पीसीआर रेशियो ज़्यादा है, तो इसका पीसीआर भी थोड़ा सा अप ट्रेंड जाने का प्रोबेबिलिटी है। तो मैंने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन आप लोग को दिखाऊंगा, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन में जो दिखाता हूँ 9,500 में इसका, 8,500 में सपोर्ट और 9,500 में रेजिस्टेंस 7 दिन का हिसाब से, और कॉल इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, पुट इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, और इधर करेंट मार्केट प्राइस बैठा का जो कैलकुलेशन निकल के आता है, तो इधर जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिख रहा है, इधर जाने का मतलब रेजिस्टेंस का जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिख रहा है, मतलब ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। और इधर भी ऐसा किया हूँ, तो ऐसा करके कैलकुलेट किया हूँ, तो इधर भी नीचे सॉरी ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी, बैंक निफ्टी में भी ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहता है। अच्छा, तो अभी कुछ लेवल्स देखे आप लोग को दिखा देता हूँ, तो पहले तो उसमें से आप लोग को पता चल जाएगा कि ये एक्सप्लेनेशन हो जाएगा कि इतना सारा। अच्छा हाँ, तो उधर से एक्सप्लेन करने का कोशिश करूँगा कि इधर ये अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, और इसका उसके बाद कहाँ पर जा सकता है। देखिए 12,430 इसका बाई लेवल था, मतलब हाई था, और 7,511 इसका मतलब इस ईयर में जनवरी में इसका हाई बना था रिसेंट, और 7,511 इसका मान के चलना पड़ता है। तो इधर फर्स्ट साइकिल, ये जो अप साइड में ये फर्स्ट साइकिल और ये डाउन साइड में फर्स्ट साइकिल, ठीक है। तो अभी देखिए इधर 9,013, 9,117, 9,200 के आसपास ये जाने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि ये इसका थर्ड साइकिल सेकंड साइकिल ख़त्म होकर ये थर्ड साइकिल में आ चुका है, ये 9,764 तक आ सकता है। हो सकता है कुछ इस रीजन पे आ जाएगा, 8,600 में इसका सपोर्ट देगा, 7,886 में सपोर्ट ले सकता है। लेकिन अभी फिलहाल जो प्रेजेंट सिनेरियो में आज का जो सिनेरियो है, तो उसमें फिलहाल आप लोगों को ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वेरी शॉर्ट टर्म स्पैन में, एक दिन या दो तीन सेशन में ये ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी तो जरूर दिख रहा है। और बैंक निफ्टी भी ऐसा है, 20,950 तक ये आ सकता है, ये भी सेकंड साइकिल में ये आ चुका है, 19,900 का ये इस लेवल पे, इस एंगल पे है, मतलब थर्ड साइकिल का जो है उसका 135 डिग्री पर है, तो ये गाल लेवल का हिसाब से ये ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। और मैंने फिर डेली का जो गाल लेवल मतलब 369 एनालिसिस है वो भी आप लोग को दिखाऊंगा, और रात में मैंने जो बाइसेल लेवल दिखाता हूँ, बाइसेल लेवल का अलग एक वीडियो बनाता हूँ, इक्विटी कॉन्टिन्यूटी बैंक निफ्टी का, उस टाइम मैंने बहुत सारा लेवल्स दिखा दूंगा। अभी फिलहाल जो लेवल्स दिखाता हूँ वो भी वो आप लोग नोट कीजिएगा, इसको एक्सप्लेनेशन आप लोग मेरा एक्सप्लेनेशन भी सुन लीजिए, तो मैंने भी एक्सप्लेन करने का कोशिश करूँगा ये ऊपर जाने का या नीचे जाने का क्या प्रॉबिलिटी इसका है। तो ये वीडियो आप लोग थोड़ा सा लंबा हो जाता है, लेकिन आप लोग भी अंत तक जरूर देखिए, मैं भी इसका बनाता हूँ आप लोगों के लिए। तो इधर देखिए, इधर 9,015 में इसका ऊपर दिखा रहा है, उसके बाद 9,126,
ঠিক আছে, উজার 2200 360 ডিগ্রি প্রাইস অ্যানালিসিস আপসাইড ফার্স্ট সাইকেল, ঠিক আছে, আপসাইড কা ফার্স্ট সাইকেল। তো ফার্স্ট সাইকেল মে ইয়ে ইধার জো মতলব ডেলি চার্ট মে জো দিখ রা ও ভি 9794 কা তক দিখ রা হ্যায়। তো ইধার দেখিয়ে ইসকা 9015 কে উপর ইয়ে ये लेवल आप लोग ध्यान से एक बार अभी भी तो नोट कर लीजिए, मैंने रात में भी देखे वो भी नोट कर सकता है। तो इसका हिसाब से मार्केट नहीं चलेगा, तो मेरे का 9015 पर 9126, उसके बाद 9197, 9237, 9460 या 9571 और 9600 और 9700 इसका ऊपर जा सकता है। और नीचे का जो लेवल है 9013 का नीचे 8899, ये सब लेवल आप लोग नोट कर लीजिए। आप लोग उसके भाई मतलब बैंक निफ्टी और निफ्टी बोल रहा हूँ, लेकिन आप लोग बैंक निफ्टी और निफ्टी बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स भी आप लोग नोट कर जरूर कीजिए। तो इसका फर्स्ट साइकिल, सेकंड साइकिल, थर्ड साइकिल आप लोग अभी फिलहाल नोट कर सकता है। इसका और भी एक लेवल दिखाता हूँ, इधर भी एक फर्स्ट साइकिल, सेकंड, ये फर्स्ट साइकिल है, ये सेकंड साइकिल है, ये थर्ड साइकिल है, सॉरी ये थर्ड साइकिल है, और इधर ये इसका फर्स्ट साइकिल, सेकंड साइकिल का थर्ड साइकिल, ये भी आप लोग नोट कर सकता है। इधर और भी एक लेवल है, ये नंबर वाइब्रेशन होता है, इसका भी लेवल आप लोग नोट कर सकता है। और रात में और भी लेवल दिखाऊंगा, ये गांस पर 12 का हिसाब से है, ये आप लोग को किसी भी जगह फ्री में या किसी जगह मिलने का बहुत ही चांसेस बहुत ही कम है, तो देख लीजिए। और इधर से आप लोग नोट भी कर सकते हैं, मार्केट इसी का हिसाब से नहीं चलेगा तो आप लोग मेरे को ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, तो क्योंकि आप लोग का फीडबैक मेरे को मोटिवेट करता है, अच्छा लगेगा तब भी आप लोग को फीडबैक दीजिए, और बुरा मतलब नहीं मैच करता है तब भी मेरे को फीडबैक दीजिए, मेरे को करेक्शन कुछ करना पड़ेगा या और कुछ इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा, तो देख सकता है मैंने। और इधर देखिए, इधर आप लोग फिबोनाची का सेवन डेज का हिसाब से ये नोट कर सकता है, क्योंकि इसका जब लेवल फिबोनाची का 7 डेज का हिसाब से ये लंबा या जब बाइसल लेवल तोड़ता है तो इसका मूवमेंट भी अच्छा आ सकता है। तो 7 डेज का हिसाब से, 5 डेज का हिसाब से, 3 डेज का हिसाब से, 2 डेज का हिसाब से, 1 डेज का हिसाब से, और उसके बाद फिर से 15 डेज का हिसाब से, 30 डेज का हिसाब से और 1 ईयर का हिसाब से मैंने फिबोनाची का लेवल्स बना है। CPR और पिवट पॉइंट भी ऐसा बना है, इसका भी आप लोग नोट कर सकता है। इधर से CPR लेवल से ऐसा बना हुआ है, उसके बाद जो दुकान का वो है ये फिबोनाची का वोलेटिलिटी बेस्ड, इसका वोलेटिलिटी बेस्ड लेवल्स है, ये वोलेटिलिटी, ये सब लेवल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो वोलेटिलिटी का स्टैंडर्ड डिविजन के साथ लिंक होता है, इसका मूवमेंट उसी का एग्जैक्टली इसी का हिसाब से चलने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये लेवल सब लोग नोट कीजिए, ये गान लेवल सही फिबोनाची लेवल चला गया, ये गान लेवल कैलकुलेशन मतलब सॉरी ये वोलेटिलिटी बेस्ड गान कैलकुलेशन है, गान का एंगल्स है, और ये गान का एंगल्स है, इसके बाद गान का डिग्री है आएगा, यह है 12.5 से, ये जो है इसका लेवल, इस सब लेवल सब लोग को मैच नहीं करेगा तो मेरे को जरूर पता कीजिएगा, और मेरा लाइव जो वीडियो दिखाता हूँ वो भी आप लोग दिखेगा, और आप लोगों को कैसा लग रहा है, आप लोग को कैसा लग रहा है, मतलब आप लोग कैसा फील कर रहा है, तो मेरे को एक बार फीडबैक देने से अच्छा मेरे को अच्छा लगेगा। और इधर कुछ इंडिकेटर देखे आप लोग को, ये इसका भी आप लोग वैसे लेवल नोट कर सकता है, ये भी अच्छा बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। और भी कुछ लेवल सब लोग को दिखा देता हूँ, इसका जो लेवल्स है ये भी, इधर भी बहुत ही, इधर भी बहुत सारा इंडिकेटर्स मैंने बना के रखा हुआ, RSI वगैरह बहुत सारा इंडिकेटर्स है, वो आप लोग को बाद में शेयर करूँगा। इस लेवल को भी आप लोग नोट कर सकता है, इसका जो लेवल इधर से दिख रहा है बैंक निफ्टी निफ्टी फ्यूचर्स, ये आप लोग नोट कर सकता है, इसका रेजिस्टेंस सपोर्ट कर सकता है। ये कैमरिन का लेवल्स है, कैमरिन का हाई 1, हाई 2, हाई 3, लो 1, लो 2, लो 3, ऐसा आप लोग देख सकते हैं, और इसका जो रूल्स है ये पढ़ सकता है, कौन सा जब ST/NT के बीच में होगा तो क्या होगा, ST/NT के बीच में होगा तो ये क्या होगा, तो ये आप लोग देख सकते हैं।
और ये पिकोला सिरेस 2 रेंज, ये एटीआर का मतलब 2 रेंज का हिसाब से ये कैलकुलेट किया गया है। और क्योंकि इतना सारा लेवल्स दिखाता हूँ वो भी मैंने जब लाइव डेमो दिखाता हूँ वो मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये फिगोना सीरीज का एटीआर एक्चुअल जे टू एटीआर 14 पीएफ का होता है, इसका यही सबसे इसका होता है ये फिगोना सी लेवल। क्योंकि देखिए जब बहुत सारा लेवल्स कंपेयर करके आप लोग एक मार्केट का जब इंडिकेटर्स देखते हैं, मार्केट का जो सिचुएशन है देखते हैं, आप लोग ट्रेड लेंगे तो आप लोग किसी एक के काम कर सकता है, एक कुछ कोई भी एक वाइसल लेवल पे, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब उसका सक्सेस का चांसेस बढ़ जाता है जब बहुत सारा लेवल्स कंपेयर करके जब करेंगे। ये गन बेस्ड एटीआर का 14 लेवल का है, ज़्यादा लंबा जो इधर देखिए एटीआर 7 डेज का हिसाब से स्टैंडर्ड डेज है। ये आप लोग का जरूरत होता भी हो सकता है, जो जो लोग मतलब डिलीवरी बेस्ड करना चाहता है उसको हम लोग का जरूरत होता है। और देखिए ये इंडिया बिग सर्च 49.74 हो गया है, इसका मंथली प्राइस रेंज आ गया है 1700 में। और इधर से बॉटम आउट ऐसे होगा, ये बॉटम आउट जो होता है ये ऐसे होता है। और जो मिड साइकिल कुछ मिड शॉर्ट टर्म साइकिल होगा, ये शॉर्ट टर्म साइकिल होगा, ये इधर तक शॉर्ट टर्म साइकिल हो सकता है। इसका जब ऊपर जाएगा तो ये ऐसा करके ये ऊपर जा सकता है 9122 के ऊपर, ये अभी थोड़ा सा ऊपर जा सकता है यानी। और इधर ये जो इस लेवल का आप लोग जरूर नोट कीजिए, क्योंकि ये सॉरी इस लेवल का नहीं, इसका जो नेक्स्ट लेवल है क्योंकि कांस का वन एंगल्स का ये लेवल, ये वन डेली हिसाब से वन स्टैंडर्ड डेविएशन का हिसाब से इसका पैसा, ये आप लोग बाई एंट्री T1 T2 का इस ऊपर नजर रखिए, इसका लेवल आप लोग नोट करते रहिए तो आप लोग को सुविधा होगा जरूर। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद, रात में फिर मिलेंगे बाई सेल लेवल लेकर।